लाल किताब जो है आने वाले चुनाव में लोगों के बीच एक भ्रम फैलाने की कोशिश है। मैंने राजेंद्र गुढ़ा साहब से अगर सवाल पूछना हो तो मैं ये पूछूंगा कि आप बसपा की टिकट पर चुनाव जीते और कांग्रेस में क्या करने गए थे? आप मंत्री बनने गए थे, गहलोत साहब ने उनको राजमंत्री बनाया, उनको महकमा दिया, सैनिक कल्याण तो उनके हिसाब से ठीक नहीं था, उनको लगता था कि मेरी इस भक्ति के बदले मुझे कैबिनेट रैंक मिलना चाहिए था, वो उस ढंग का मुझे महकमा नहीं मिला, तो उन्होंने कहा कि अगले चुनाव में कांग्रेस की इतनी सीटें आएंगी कि एक फॉर्च्यूनर गाड़ी में बैठ के वो सारे विधायक विधानसभा में जा सकेंगे। जब आप राज्य मंत्री की कुर्सी पर हैं, गहलोत साहब की सरकार में हैं, तब आप इस तरह की टिप्पणी करेंगे तो आप रातों रात बर्खास्त कर दिए जाएंगे। ये उन्हें मालूम होना चाहिए था, मालूम होगा भी उनको, लेकिन हो सकता है विरोधियों से वो मिल गए हों ये सोच के कि अगले चुनाव में गहलोत साहब उनको टिकट नहीं लेने देंगे, फिर बसपा के टिकट पर लड़ना पड़ेगा, पता नहीं जीत पाए ना जीत पाए। अब वो किस पार्टी के साथ हाथ मिला रहे होंगे, आप समझ सकते हो कि अगर अशोक गहलोत साहब ने उनको ये कहा कि आप जाके राजेंद्र राठौड़ के घर से लाल डायरी ले आइए, और वो लाल डायरी ले आते हैं और गहलोत साहब को दे देते हैं अगर लाल डायरी, या अपने पास रख लेते हैं, तो मीडिया में विधानसभा में उनके साथ जो कुछ हुआ, बाहर आके उन्होंने रोते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि लाल डायरी मेरे पास जो है उसमें बहुत कुछ रहस्य है, मैं बताऊंगा। वो बताने की जरूरत ही नहीं है, आप ईडी को दे दीजिए, आप सीबीआई को दे दीजिए, आप केंद्र सरकार को दे दीजिए, आप राजस्थान के जो केंद्रीय मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत साहब उनको दे दीजिए। गहलोत साहब और शेखावत साहब की काफी खींचातानी रही है, उन्होंने गहलोत साहब के बेटे को लोकसभा चुनाव में हराया था, और गहलोत साहब ने पिछले दिनों जब सचिन पायलट साहब ने बगावत की थी तो आपको ध्यान होगा उनके खिलाफ एक मुकदमा भी दर्ज हुआ था फोन टेप होने का, तो उनमें इतनी खींचतान है तो आप वहां चले जाइए, वहां दे दीजिए, लेकिन कुछ हो तो देना। ये सिर्फ नीचे मतदाताओं को एक भ्रमित करने की कोशिश है। राजस्थान में पिछले कई दशकों से आप देखिए कि एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, एक बार कांग्रेस की सरकार बनती है, एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की बनती है, फिर कांग्रेस की बनती है, लेकिन इस बार अशोक गहलोत साहब ने मतलब सचिन पायलट साहब की बगावत को भी दबाया, अपनी कुर्सी भी कायम रखी, बहुत सारी लगातार वो घोषणाएं भी कर रहे हैं। राजेश सिंधिया जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तो उनको पसंद नहीं कर रहा है, ऐसी सूरत में अगर वसुंधरा राजे बीजेपी के साथ दिल से नहीं चलेंगी तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस का पड़ा भारी रहने की उम्मीद है। ऐसी सूरत में आपको कोई ऐसा काट ढूंढनी पड़ेगी जिसमें आपका कुछ खर्च भी ना हो और सरकार को बदनाम भी किया जा सके। वो त्रिपाठी जी कह रहे थे कि जो जनता के मुद्दे हैं, बिजली, पानी, महंगाई, सेहत, शिक्षा, इन पर तो कोई बात होगी नहीं, तो नहीं होगी तो कुछ कुछ तकनीकी व्यवधान आ रहा है। पार्टियों को फायदा मिल जाएगा।